कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर अनाप शनाप बयानबाजी कर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता को भ्रमित करने के आरोप लगाए हैं। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि पूर्व में रहे तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल की अलग से पहचान बनाकर राज्य के प्रति एक छाप छोड़ी है, लेकिन अफसोस पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कर्मचारी विरोधी के रूप में पहचान मिली है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी द्वारा हिमाचल प्रदेश की तुलना जो है वो श्रीलंका देश से करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसके लिए मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो उनका बोलने का अभिप्राय था कि यदि आपका खर्चा 100 रुपया हो और आमदनी 50 रुपये हो तो ऐसी स्थिति बन जाती है, इसको तोड़ मरोड़ कर हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी द्वारा लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास किया है उसके लिए मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि आप हिमाचल प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उसका सहयोग करें। विपक्ष की भूमिका तो होती है, दायित्व बनता है, लेकिन वो दायित्व ऐसा नहीं बनता है कि तथ्य आधारहीन तथ्यों पर बातें करें। तथ्यों पर आधारित बातें हो तो उसका मजा आता है। मैं फिर से उनसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी प्रेस वार्ता करें तो कांग्रेस की प्रताड़ना करने की बजाय वो अपने पिछले गिरेवान में झांके, क्योंकि इनका जो पिछला कार्यकाल 5 साल का रहा है वो धरने और प्रदर्शन का ही रहा है और कर्मचारी विरोधी प्रदर्शन रहा है। मैं इनको जो इनका जो अध्याय है 5 साल का कार्यकाल है वो एक धरना प्रदर्शन का कार्यकाल गिना जाएगा, क्योंकि पूर्व में रहे मुख्यमंत्री YS परमार जी को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसके उपरांत ठाकुर रामलाल जी वो विकास के मसीहा गिना जाता है और हमारी सबसे लंबी पारी खेलने वाले जो हमारे मुख्यमंत्री पूर्व में रहे राजा वीरभद्र सिंह उनको आधुनिक हिमाचल का निर्माता कहा जाता है। उसके उपरांत हमारे शांता कुमार जी को जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ थे उनका जो कार्यकाल रहा है वो पानी के मुख्यमंत्री का कार्यकाल गिना जाता है, और प्रोफेसर धूमल जी उनका जो कार्यकाल है वो सड़कों का कार्यकाल गिना जाता है। लेकिन अफसोस है कि हमारे मौजूदा जो मुख्यमंत्री पूर्व में रहे जो मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी उनका कार्यकाल जो है वो धरना प्रदर्शन का कार्यकाल की जो छाप बनी है उससे हिमाचल प्रदेश की साख को गहरा धक्का लगा है। मौजूदा जो हमारे मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उनके जो दो महीने का जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने जो निर्णायक अपनी भूमिका निभाई है उससे घबराकर ये अनाप शनाप जो बयानबाजी लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इसके लिए हमारे जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम जी को आग्रह करूंगा कि आप अपनी गरिमामय पद का ध्यान रखते हुए विपक्ष की भूमिका जो है तथ्यों पर आधारित बातें करें, ताकि हिमाचल प्रदेश का फिर से वही सौहार्दपूर्ण और जो हिमाचल प्रदेश का साख है उसको बना रहने दें।